अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशी मकबूल आज आपको 7 ईयर बेबी के लिए झबला कटिंग और स्टिचिंग दिखाएंगी बहुत ईजी मेथड से। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, पिक्स भेजी है कि मुझे इसी टाइप के झबले की कटिंग और स्टिचिंग दिखाई जाए। तो व्यूवर्स, ये सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। जितना भी फैब्रिक का बर हो यानी विड्थ हो, उतनी आपने इसकी फ्लेयर की विड्थ लेनी है और लेंथ लेनी है 18 इंच, फ्रंट की अलग और बैक की अलग। ये हमारी हो गई नीचे की फ्रिल। अब उसके बाद हम सबसे पहले लेंगे बॉडी। बॉडी की लेंथ लेनी है हमने 11 इंच, लेकिन हम इसको लेंगे 12 इंच। 1 इंच हमारा इसमें लास्टिक फोल्ड होगा। बैक साइड की विड्थ में भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वो विड्थ भी मैं आपको बता देती हूँ बॉडी की। ये देखें 8 इंच मैंने डबल फोल्ड इसकी विड्थ ली है टोटल बॉडी की। अब इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो लेंथ में टोटल हमने ली हैं 14 इंच और इसकी विड्थ है 7 इंच, 7.5 भी है तो ये स्टिचिंग के बाद 7 ही रह जाएगी। ये हमारी बॉडी स्लीव्स और नीचे की फ्रिल की लेंथ हो गई और विड्थ हो गई। अब ये राउंड शेप में जो योक लगानी है, ये देखें व्यूअर्स, इसकी लेंथ विड्थ भी मैं बता देती हूँ, सेम आपने एक जैसे लेनी है 5.5। जब हम 5.5 का चकोर पीस लेंगे, उसे राउंड करेंगे तो वो हमारी योक बन जाएगी। अब उसके ऊपर जो नेक लाइन में हमने फ्रिल यूज़ करनी है, वो हमने 1 इंच के लिए इसे डबल फोल्ड करेंगे। ये देखें इसके ऊपर एक सिलाई ऊपर की साइड लगा कर इसमें नाइफ प्लेट देकर नेक लाइन में ऐड करेंगे। पूरी फ्रिल हम नाइफ प्लेट से रेडी कर लेंगे, फिर हम आपको नेक लाइन में लगा कर भी दिखाएंगे। उसके बाद एक और फ्रिल हमने रेडी करनी है जो हमारी राउंड शेप की बॉडी पर लगेगी, शोल्डर से होते हुए बॉडी की तरफ आएगी। ये 3 और 4 इंच की आप ले सकती हैं, डबल फोल्ड करें, आयरन करें, इसको धागा खींच कर इसमें ऐसे प्लेट्स दे दें, क्योंकि ये राउंड शेप में लगनी है। इसमें धागा खींच कर जब हम प्लेट्स देंगे तो ज़्यादा अच्छे से लगेंगी और नेक लाइन में जो होंगी वो हमारी नाइफ प्लेट वाली अच्छी लगेंगी। अब इसकी तमाम मैंने लेंथ विड्थ की पैमाइश बता दी है और कटिंग में आपको दिखा रही हूँ। व्यूअर, सबसे पहले हमने नीचे की जो फ्रिल है वो लेनी है और उसको थोड़ा सा आपने तिरछा कट करना, ऊपर से 6 या 7 इंच आप विड्थ में निशान लगाएं तकरीबन, और नीचे की तरफ आप कपड़े को बिल्कुल इस तरीके से ट्रायंगल की तरह फोल्ड कर दें। वाइट फैब्रिक है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं निशान लगा देती हूँ। और नीचे से आपने 3 या 4 इंच के बाद इसे राउंड करना है, क्योंकि इसे राउंड शेप देनी है झबले को नीचे से। हम ऊपर से विड्थ को कम करेंगे क्योंकि इसमें प्लेट्स दी जाएंगी, अगर जब हम विड्थ ज़्यादा लेंगे तो इसकी प्लेट्स उतनी अच्छी नहीं आएंगी। तो व्यूअर्स, आपको ये निशान नज़र आ गया है तो इसको आपने इस तरीके से पहले कट करना है। अब ये देखें व्यूअर्स, नीचे से राउंड हो गया जैसे अम्ब्रेला कट होता है, ऊपर से हमने इसमें लास्टिक को ऐड करना है, क्योंकि जितनी कम फ्लेयर होंगी लास्टिक डालेंगे उतनी अच्छी हमारी ऊपर की फ्लेयर योक में सेट होंगी। तो ये हमारी नीचे की फ्रिल हो गई। अब ये व्यूअर्स, इसके शोल्डर 5 इंच की आपने विड्थ लेनी है और 5 इंच के ही आर्म होल की लेंथ लेनी है। अगर आपकी बेबी हेल्दी हो तो आप 5.5 भी ले सकती हैं। व्यूअर्स, अब हमारी सिंपल बॉडी की कटिंग हो गई है जो हमने इसके ऊपर राउंड योक लगानी है, जिसमें हमने फ्रिल को अटैच करना है कि झबला लुक लगे, तो वो हमने 5.5 की यानी कि 5x5 का पीस लिया है। उसको अब हम राउंड योक करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपने राउंड योक करनी है। अब ये देखें, इसको आपने ऐसे बिल्कुल राउंड योक करना है, निशान लगा लें। इसको मैं आपको बॉडी के ऊपर रख कर दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये राउंड योक मैंने किस तरह से रखनी है। इस तरीके से रखेंगे, ये राउंड हो जाएगी, बैक साइड इसकी ओपन होगी और फ्रंट इसका बंद होगा, क्योंकि इसमें फ्रिल अटैच होगी तो ये राउंड योक हम अलग से बना रहे हैं। अब
व्यूअर्स, हमने बॉडी की कटिंग कर ली है। नेक लाइन भी आपने देखा होगा कि हमने फ्रंट का डीप कटिंग किया है, यानी कि राउंड योक का भी और फ्रंट की बॉडी का भी। राउंड योक रखने से पहले आपने पहले शोल्डर अटैच करनी है दोनों के, फ्रंट और बैक के। उसके बाद जो मैंने स्ट्रिप ली है 1 इंच की, वो आपने तैयार करनी है नाइफ प्लेट देकर। ये पूरी राउंड योक में लगेगी, गुम सिलाई में अटैच होगी। ये देखें व्यूअर्स, पहले इस तरीके से जब ये रेडी हो जाएगी तो इस तरीके से इसको सिलाई लग जाएगी। फिर सिलाई लगने के बाद इसको इस तरीके से खड़ा कर देंगे तो ये गुम सिलाई में इसकी सिलाइयाँ अंदर चली जाएंगी। उसके बाद आपने जो राउंड योक है बैक साइड से ओपन है, उसको आपने इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से हमारी जो नाइफ प्लेट वाली फ्रिल है वो ऊपर नज़र आती हुई बहुत ही प्यारी लगेगी अंदर की साइड से, क्योंकि ये अंदर से गुम सिलाई में अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से ये रेडी हुई बहुत प्यारी लगेगी। अब उसके बाद जब ये फ्रिल रेडी हो जाए नेक लाइन में, तो नीचे राउंड योक को आपने इसके नीचे जो हमने 3 इंच की यानी कि 4 इंच की फ्रिल रेडी की है, वो आपने गैदरिंग करनी है मशीन से या हाथ की मदद से धागा खींच कर। इसको आपने इस फ्रिल के साथ अटैच कर देना है। अगर आप चाहें तो इसको अलग से एक कॉलर की शक्ल में भी गिरा सकते हैं, लेकिन हमने इसको मशीन की मदद से सिलाई लगाकर बॉडी से अटैच कर देना है पूरा राउंड योक। तो ये एक झबला लुक देगी और ये जो फ्रिल है ये शोल्डर से होती हुई नीचे नेक लाइन पर आएगी। उसके बाद हमने जो पैचेस आपको दिखाई हैं रेड कलर के कढ़ाई वाले, क्योंकि जो हमारी व्यूवर्स हैं उन्होंने तो हमें एम्ब्रॉयडरी वाली योक दिखाई है बड़ी खूबसूरत सी, तो हम ज़ाहिर है एम्ब्रॉयडरी नहीं जानते, तो हम उसके लिए ये पैचेस वगैरह मार्केट से ले सकते हैं। जिन्हें एम्ब्रॉयडरी नहीं आती वो इस तरह की छोटी छोटी सी पैचेस, स्टिगर, लेसिस कटिंग करके बेबीज़ के फ्रॉक खुद से रेडी कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये बहुत नीट एम्ब्रॉयडरी लग रही है जैसे कोई ब्रांडेड बेबी फ्रॉक हो। तो रेडी होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसकी बॉडी में नीचे इलास्टिक भी ऐड होगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी स्टिचिंग के टाइम। बहुत ही खूबसूरत ये बेबी फ्रॉक है, इसकी स्लीव्स फुल है जिसके नीचे यानी कि इलास्टिक डलेगी और ऊपर से आर्म कटिंग। अब बेबी फ्रॉक की हम फ्रिल को नीचे वाली को साइडों से सिलाई करेंगे ताकि राउंड शेप हो जाए। अब ऊपर की फ्रिल में आप कच्ची सिलाई लगा लें ताकि आपको प्लेट्स देने में आसानी रहे। अब बैक साइड के दोनों पट्टियों को आप पहले मशीन की मदद से फोल्ड कर लें, यानी कि 2 सिलाइयां लगाकर पीछे का स्लिट रेडी कर लें। अब ये देखें व्यूअर्स, बैक साइड की हमने बॉडी के स्लिट को प्रेस कर इसे सिलाई लगा ली है, क्योंकि जो 1 इंच एक्स्ट्रा होता है वो ऊपर ऐसे सिलाइयों का मार्जिन होता है। इसमें हम बटन पट्टी यानी कि बटन होल करवाएंगे, बेबी को पहनने में आसानी रहेगी। और इसके सेंटर में थोड़ी सी सिलाई लगा लें ताकि जब आप नीचे की फ्रिल इसके साथ अटैच करें तो आपकी ये बॉडी की निशान परफेक्ट मिल जाए। व्यूअर्स, ऊपर शोल्डर को हम अटैच करेंगे, फ्रंट और बैक के दोनों शोल्डर को। अब ये देखें व्यूअर्स, जो हमने स्ट्रिप को नेक लाइन में लगाना है इसको आयरन कर लिया। अब इसके ऊपर एक बिल्कुल सिरे की सिलाई लगाएं। अब ये हमारी सिरे की सिलाई लग गई है। अब उसके बाद इसमें आपने 1 इंच या 1/2 इंच के गैप से नाइफ प्लेट देकर ये फ्रिल रेडी कर लेनी है। अब
और रिवर्स ये देखें, नेक लाइन के लिए हमने जो रफल रेडी कर लिया है उसको आपने राइट साइड की तरफ से सिलाई लगानी है, यानी कि फ्रिल को रॉन्ग साइड रखना है और सिलाई को आपने राइट साइड से मशीन से काम करना है। इस तरीके से जब हम योक रख देंगे तो इस तरह ये ऊपर की तरफ हो जाएगी, गुम सिलाई में अंदर सिलाई चली जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, ये नेक लाइन में हमने ये रफल जो बनाकर लगाई थी नाइफ प्लेट वाली, ये लगा दी है। अब इसके बाद इसको हम राइट साइड से आपको दिखाते हैं। ये देखें रॉन्ग साइड इसकी सिलाइयाँ नज़र आ रही होंगी आपको, ये रॉन्ग साइड है लेकिन इसकी बॉडी का ये राइट साइड है, क्योंकि इसके ऊपर हमने गोल राउंड वाली बॉडी रखनी है तो ये सिलाइयाँ इसके अंदर चली जाएंगी। अब इसमें हम छोटे छोटे से कट भी लगा सकते हैं या ना लगाएं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये रफल खड़ी हो जाएगी तो बहुत ही प्यारी लगेगी, बॉडी को अटैच करेंगे या आप एक सिलाई लगा लें। अभी बस जो मैंने आपको राउंड योक बताई है वो आपने नीचे की तरफ रखनी है, रफल के नीचे, यानी सेंटर में रफल आ गई। ये देखें व्यूअर्स, करीब से आपको मैं इसलिए भी दिखा रही हूँ आपको समझ आ जाए, जो सिलाई हमारी नज़र आ रही है हमने उसी पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से ये फोल्ड करने से देखें ये राइट साइड हमारी योक हो जाएगी और इस तरीके से गुम सिलाई में ये रफल अंदर चली जाएगी। लगाते हुए आप देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगी, और थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन हम राउंड योक का ज़्यादा रख रहे हैं, क्योंकि एंड पर इसको एंड के बाद रफल लगाने के बाद ये हम इसकी सिलाई लगा देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी नेक लाइन में रफल लग गई है और योक इसको हमने राइट साइड कर लिया है। अब इसमें नीचे की रफल को रेडी करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर राउंड योक रेडी करेंगे। अब नीचे की रफल को रेडी करेंगे, सेम उसी ट्रिक से ऊपर एक सिलाई लगाएं और नीचे बड़े टांके से कच्ची सिलाई लगाकर धागा खींच कर रफल रेडी कर लेंगे। अब ये रफल के ऊपर सिलाई लगा लें ताकि आपकी रफल रेडी हो जाए, प्रेस हो जाए और नीट काम हो जाए। एंड पर हम नीचे की सिलाई और रफल रेडी करेंगे। अब रफल में आप प्लेट्स दे लें बॉडी की विड्थ के मुताबिक, जो राउंड बॉडी है, क्योंकि हमने इसमें रफल को रेडी कर इसके साथ अटैच करना है। पूरी रफल में पहले आप प्लेट्स जो हमने धागा खींचा है उसकी प्लेट्स दे लेंगे राउंड शेप की विड्थ के मुताबिक, और उसके बाद जब हमारी रफल रेडी हो जाएगी तो हमने रॉन्ग साइड से रख कर फिर सिलाई लगानी है। आप वीडियो में देख रही होंगी कि जो साइड हमारी ऊपर की तरफ है वो हमने ऐसे रेडी करनी है, यानी कि दिखने में ये राइट साइड है लेकिन हम इसको रफल को अंदर की तरफ कर देंगे रॉन्ग साइड। अब ये देखें व्यूअर्स, रफल की विड्थ हमने रेडी कर ली है और इस तरीके से राउंड योक पर ऊपर रख कर लगाएंगे उसी सिलाई पर जो हमने धागा खींचा था। सिलाई के ऊपर सिलाई आएगी तो हमारी सिलाई कभी भी इधर उधर नहीं होंगी। मुकम्मल होने के बाद प्रेस कर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमारी ये योक रेडी है। एंड पर हमने जो स्लिट ओपन रखा था उस पर सिलाई लगाकर बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। पूरी राउंड योक चाहे तो आप सिलाई लगाकर बॉडी के साथ अटैच भी कर सकते हैं, चाहे आप ना भी सिलाई लगाकर अटैच करें। इस तरीके से बैक साइड आप अटैच कर देंगी तो ये राउंड योक बड़ी प्यारी प्रेस हुई हुई मालूम होगी। ये देखें व्यूअर्स, हम बैक साइड के स्लिट की सिलाई इसलिए भी लगा रहे हैं, ये जमी रहेगी, बटन टेप हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखें व्यूअर्स, बैक साइड से आपको दिखा रहे हैं, दोनों हमने सिरे की सिलाइयाँ लगाकर बटन पट्टी के ऊपर इस रफल को रेडी कर दिया है राउंड योक को। अब ये हमारी
राउंड योक प्रेस हो गई है, अगर आपका दिल करे तो सिलाई लगा भी सकती हैं चाहे नहीं भी, लेकिन ये बैक साइड से जब हमने सिलाइयाँ लगाई हैं तो ये प्रेस हो गई है। अभी वर्ष इसमें स्लीव्स लगेंगे और नीचे की सिंपल तरीके से रफल लगेगी जिसे हम फ्रिल घघरी बोलती हैं सादे तरीके से, और नीचे दामन की मुड़ाई करने के बाद मुकम्मल कर मैं दिखाती हूँ, क्योंकि स्लीव्स के फ्रंट पर आपने लास्टिक का इस्तेमाल भी करना है। ये देखें इस तरीके से आप फिटिंग करें इसकी, और जिस तरीके से सादे तरीके से इसके स्लीव्स लगते हैं वो लगाएं। अब रेडी होने के बाद, मुड़ाई करने के बाद मैं आपको इसकी असल लुक दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशी मकबूल, आज आपको अपने न्यू चैनल में एक बेबी फ्रॉक के झबले की डिज़ाइनिंग बताएंगी, दिखाएंगी, और ये भी बताएंगी कि अगर आपको ये स्टिच करना हो आप मेरे चैनल का विजिट करें, खुशी मकबूल चैनल का, तो उसमें आपको इसकी टोटल कटिंग और स्टिचिंग मिलेगी। व्यूअर्स, ये बहुत ही प्यारा बेबी झबला है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये इस तरीके से इसमें राउंड शेप में ये कैप लगा दी गई है, इसे आप कॉलर भी बोल सकती हैं, योक भी बोल सकती हैं। और इसमें जो ये स्टिकर लगाए गए हैं ये हमने मार्केट से लिए थे, इसे आयरन कर दिया है जिसकी वजह से ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। व्यूअर्स, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स स्टिचिंग जानते हैं लेकिन उन्हें एम्ब्रॉयडरी नहीं आती, तो वो मार्केट से इस तरह के छोटे छोटे से पैचेस, स्टिकर, लेसेस लेकर अपने बेबी के फ्रॉक खूबसूरत बना सकती हैं, डिज़ाइनिंग खुद भी कर सकती हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग डिटेल के साथ हमारे चैनल खुशी मकबूल में इसकी टोटल वीडियो अपलोड होने वाली है। इंशाल्लाह हम आपको इसकी मुकम्मल एक दो दिन में वीडियो भी दे देंगे। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल का विज़िट करें, क्योंकि इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ईजी है। ये रियल में बहुत ही प्यारा बेबी फ्रॉक लग रहा है, इसे बेबी झबला भी कह सकते हैं, बेबी फ्रॉक भी कह सकते हैं। इसकी ये बैक साइड और फ्रंट साइड पर कॉलर लगी हुई है, ये देखें व्यूअर्स, बैक साइड पर हमने इसमें स्टिकर नहीं यूज़ किए, सिर्फ फ्रंट पर किए। अगर आप चाहें आपके पास ज़्यादा हो ये तो आप इसमें कहीं कहीं लगा भी सकती हैं, इससे ये होगा आपका बेबी फ्रॉक और भी हसीन लगेगा। हमारी तो ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी, हमने उसकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए सेम डिज़ाइनिंग की है। तो व्यूअर्स, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है बाज़ार से कोई प्यारी प्यारी सी लेसेस लेके उन्हें कट कर कर इस तरीके से निडल की मदद से या गिलू गन की मदद से लगा सकती हैं, आपका बेबी फ्रॉक, बेबी झबला, आपके ड्रेसेस इसी तरह से बहुत ही प्यारे बन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये बेबी फ्रॉक की कटिंग, स्टिचिंग की डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल खुशी मकबूल का ज़रूर विज़िट करें, आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग की डिटेल के साथ वीडियो मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी डिज़ाइनिंग पसंद आएगी और आइडिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।